दोस्तों मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ चाइना के विषय में। हम लगातार सन 1962 से देख रहे हैं कि चाइना हम हिंदुस्तानियों के साथ एक नारा लगाता था, हिंदी चीनी भाई भाई, और उन्हीं भाइयों को उन्होंने सन 1962 में धोखे में रखकर उनके साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी और हमारी बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1975 में भी उन्होंने यही किया। इसी तरह चाइना कई बार हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बात करके और पीठ पिछड़ा घोटता है। अभी 16 तारीख को जो गलवान घाटी में हुआ उसमें हमारे सैनिक केवल पेट्रोलिंग के लिए वहाँ गए थे, जिनको चाइना के सैनिकों ने पत्थर से और तरह तरह के हथियारों से मारा। कुछ हमारे सैनिक नदी में गिर गए और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे वीर सपूत, हमारे शहीद सैनिकों के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनके साथ शोक संवेदना व्यक्त करें, उनके परिवार के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनका परिवार इस दुख को संभाल पाए और उनका हम संबल बने। और साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि जहाँ तक हो सके हम लोग चाइना के सामान को बायकॉट करें, चाइना के सामान को ना खरीदें। ये कोरोना का जो समय चल रहा है ये हमारे देश के लिए या विश्व के लिए एक संकट का समय है और इस संकट के समय में चाइना ने फिर हमारे साथ धोखा किया है। हम आज ये प्रण करते हैं कि हम आर्थिक तंगी से लड़ लेंगे पर हम चाइना के सामने झुकेंगे नहीं। हम अपनी भारतीयता के सामने, हम अपनी संप्रभुता के सामने, हम अपनी सीमा की रक्षा के लिए हमारे सैनिक और हम मिलकर पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। और बार बार जो चाइना हिंदुस्तान के साथ धोखा करता है उस चाइना के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल छोड़ देंगे और हमेशा हम अपनी सीमा की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।